वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। दिस इज दिशा विदर्भ टैलेंट के एक और नए और अमेजिंग एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ऑरेंज सिटी नागपुर की पहचान वैसे तो कई चीज होती होती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जिस चीज का जिक्र किया जाता है उसमें तर्री पोहा का समावेश है। और जब तर्री पोहा की बात निकलती है तो शहर में अधिकांश लोग की जुबान पर रामजी श्यामजी पोहे वाले का नाम आता है। अगर आप सोशल मीडिया का अधिक उपयोग करते होंगे तो आपने कई लोगों की स्टोरी में रामजी श्यामजी का जिक्र देखा ही होगा। तो आखिर इस रामजी श्यामजी के पोहे में ऐसी क्या खासियत है जिसके पोहे बनाने के टैलेंट का हर कोई दीवाना है? आइए जानते हैं इस बारे में हमारे विदर्भ टैलेंट के इस एपिसोड में। गर्मा गर्म पोहे, उनके साथ तीखी तर्री और उस पर शेव डली हुई और उस पर प्याज और नींबू के टॉपिंग से, ये सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। जब भी तर्री पोहे की बात आती है तो नागपुर शहर में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो तर्री पोहे को मना करे, क्योंकि नागपुर करों की तो रग रग में तर्री पोहा बसता है। हालांकि जब नागपुर शहर में तर्री पोहा का जिक्र होता है तो कहीं ना कहीं रामजी श्यामजी के पोहे का भी जिक्र होते हुए आपने कई दफा देखा होगा। तो आज के हमारे विदर्भ टैलेंट के इस शो में आइए देखते हैं कि किस तरीके से रामजी श्यामजी के पोहे बनाने के टैलेंट का नागपुर दीवाना है और क्या है उनके पोहे बनाने की रेसिपी। हेलो, हाय, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज दिशा आपके विदर्भ टैलेंट शो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। वेल, कहीं ना कहीं आज का जो विदर्भ टैलेंट का शो है वो फूडीज के लिए, और जिनको तर्री पोहा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। कहीं ना कहीं नागपुर की जब हम बात करते हैं तो भाई साहब रामजी श्यामजी के पोहे की भी बात, उनका जिक्र बहुत ज़्यादा होता है। तो यार, ये रामजी श्यामजी के पोहे का सीक्रेट क्या है और क्यों यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ रहती है? नागपुर की यूथ यहाँ पे सबसे ज्यादा क्यों आती है, ये जानने के लिए आइए देखते हैं ये एपिसोड। रामजी श्यामजी पोहे वाले के पास आज हम विदर्भ टैलेंट शो में आए हैं, और क्या है ये पोहे वाले का सीक्रेट, मतलब क्यों इतना टेस्टी पोहा यहाँ का बनता है, ये डायरेक्टली हम जानते हैं रामजी जी से कि किस तरीके से ये जो पोहा यहाँ का बनता है उनसे जानते हैं। आपसे जानना चाहती थी कि किस तरीके से कहीं ना कहीं नागपुर में बहुत ज्यादा ट्रेंड करता है रामजी श्यामजी का पोहा, तो यार ये जो पोहा बनाना है उसके पीछे का सीक्रेट क्या है? सीक्रेट यह है कि लोगों का प्यार और आशीर्वाद है मेरे साथ, इसलिए हम आगे बढ़े। तो अभी आप तड़का लगा रहे हैं, आप हमको पूरी प्रोसीजर बता सकते किस तरीके से ये जो पोहा बनता है उसकी? प्याज है, सिंगदाना है, राई जीरा है, तेल है, हल्दी, वटाना जो भी है। अच्छा सा पकने देने वाले हैं, मतलब आप पूरा लाल होने तक। ओके, तो ये कहीं ना कहीं बहुत लोगों की भीड़ यहाँ पे हमेशा रहती है, तो क्या कभी ऐसा मोड आता है कि यहाँ पे कम लोग रहते हैं, ऐसा कभी हुआ है? ये देखिए, कोई भरोसा नहीं रहता है कब क्या, और ये धंधा है, कम ज्यादा तो चलता है, जिंदगी का सफर है तो कम ज्यादा तो होना ही है। अभी आपने हल्दी डाली, अभी इसके बाद आप क्या करने वाले हैं? बताने डालेंगे हरे वाले। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसा कोई स्पेशल चीज है जो मतलब पोहे में यूजुअली लोग नहीं डालते पर आप डालते हैं, ऐसा? देखिए, कोशिश हमारी रहती है कि हम बढ़िया से बढ़िया सर्विस दें। अच्छा। और कस्टमर यहाँ से संतुष्ट होके जाए, कस्टमर की संतुष्टि ही हमारी प्रगति है। अगर कस्टमर संतुष्ट नहीं है तो हमारी प्रगति नहीं हो सकती है। बहुत बार होता होगा कि एक मेजरेबल क्वांटिटी में लोग नहीं आते, आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत स्टॉक में बना के रखनी पड़ती है, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि कभी नमक वगैरह कम हो गया, क्वांटिटी में कुछ चीज़ें कम हो गई है? गलतियां तो हर किसी से होती है, बिना गलतियों का सुधार नहीं होगा। गलती जो होती है एक सबक दे के जाती है। तो मतलब होता है पर वो चीज़ें मैनेज होता है, जिंदगी में कम ज़्यादा तो होना ही है। मतलब चीज़ें होती है और फिर भी जो कहीं ना कहीं प्रोपोर्शन जो है बैलेंस रहता है। आप देख सकते हैं कि पोहा अभी उन्होंने डाला है और अच्छे से उसको पकाने वाले। कहीं ना कहीं ये जो पोहा वाली स्टेप होती है डालने की, इसको लास्ट की स्टेप होती है, अच्छे से इसको वो जो है मिक्स कर रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ जो है वो छूटे ना और पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। जितना भी मसाला डाला था, शिंगदाने डाले थे, मटर डाला था, जितने भी कांदे, ये सारी जो चीज़ें डाली थी वो अच्छे से मिक्स हो जाए, इसलिए वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से जो है उसका मिक्सचर कर रहे हैं।
चैनल। ये थी कहीं ना कहीं रामजी श्याम जी के पोहा वाले की रेसिपी, जो वैसे तो बहुत ही नॉर्मल सी है बट काफी ज्यादा टेस्टी और जितने भी नागपुर की जनता, जितनी भी नागपुर की पब्लिक है, उनको बहुत ज्यादा पसंद आती है। पोहे की रेसिपी तो अब तक हमने आपको दिखाई, पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि तर्री भी जो है, जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और तर्री के बिना शायद पोहा अधूरा ऐसा कहा जाता है। जब तर्री का स्वाद आता है, जब वो तर्री पोहे के ऊपर गिरती है, तो वो लाजवाब टेस्ट पोहे को और भी टेस्टी बना देता है। तो यही तर्री का मेकिंग यहाँ पे चल रहा है। वेल, ये तर्री की स्पेशलिटी क्या है और क्यों यहाँ पे ये जो तर्री है वो बहुत ही फेमस है, ये जानते हैं श्याम जी जी से। सर, कहीं ना कहीं पोहे की हमने अभी रेसिपी देखी, तो तर्री की बात हो रही है और तर्री का जब जिक्र निकलता है तो हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। वेल, आपके तर्री की जो है स्पेशलिटी क्या है और क्यों इसको इतना ज्यादा प्यार दिया जाता है, ये जानना चाहते हैं। तरीका कैसा है कि हम क्वालिटी को बिल्कुल मेंटेन रखते हैं, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं। चाहे 60 रुपए किलो हो टमाटर, चाहे 200 रुपए किलो धनिया हरी हो, और चाहे 50 रुपए 100 रुपए किलो प्याज हो, लेकिन उससे कोई क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है। इसके वजह से हमारी क्वालिटी मेंटेन रहती है। यही कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि राज है कि ये जो लोग इतना अट्रैक्ट होते हैं क्वालिटी से, कॉम्प्रोमाइज नहीं, और सबसे अच्छा आपकी पब्लिक को सर्व करना। नहीं, पब्लिक का भी प्यार है और हमारा भी, पब्लिक को भी सारी चीजें दिखती हैं कि क्या बन रहा है, क्या गलत हो रहा, क्या अच्छा हो रहा, क्योंकि आजकल जागरूकता बहुत ज्यादा है। सभी देखते हैं कि कैसा मटेरियल है, क्या है, और बहुत दिनों से लोगों को हर चीज का अनुभव है कि मतलब ये कैसे क्या हो रहा है। तो हम अपनी क्वालिटी को बराबर मेंटेन करते हैं और कस्टमर का प्यार है जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कहीं ना कहीं कस्टमर का प्यार और क्वालिटी को बरकरार रखना, शायद यही यहाँ के तर्री की जो है वो भी स्पेशलिटी और पोहे की भी स्पेशलिटी है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वालिटी है वो मेंटेन रखते हैं, ऐसा इनका कहना है। वेल, अभी ये यहाँ के हम कस्टमर से भी बात करेंगे, देखते हैं उनका क्या कहना है। रामजी श्याम जी पोहा वाले के कस्टमर से हम लोग बात कर रहे हैं, ग्राहकों से बात कर रहे हैं, जानते हैं उनको यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो है वो क्या लगती है। आपको सबसे ज्यादा ये जो यहाँ की पोहा की स्पेशलिटी है वो क्या लगती है? नहीं, पोहे का टेस्ट बहुत अच्छा है यहाँ का, और क्लीनलीनेस अच्छा है यहाँ का, नीट एंड टाइडी है, और प्राइस भी रीजनेबल है। कहीं ये देखा जाता है, मतलब यूजुअली कि जब कोई चीज़ पॉपुलर हो जाती है बहुत ज़्यादा, उसके बाद उसके टेस्ट में कहीं ना कहीं चेंजेस आ जाते हैं, पर क्या ऐसा रामजी श्यामजी पोहे वाले के साथ हुआ है? कभी आपको भी कभी फील हुआ ऐसा? नहीं नहीं, टेस्ट में कभी ये नहीं हुआ, कभी फ़र्क नहीं पड़ा उनके। पिछले कितने टाइम से आप यहाँ से पोहा खा रहे हैं, ये जानना चाहते हो? एक या दो साल से खा रहा हूँ। एक स्पेशल नोट जो रामजी श्यामजी पोहा वाले को आपको देना है? बहुत ही बेहतरीन पोहा है। रामजी श्याम जी के पोहे वाले के पोहे बनाने की रेसिपी ने हर किसी को दिल जीत लिया, और ऐसे ही ग्राहकों से हम लोग कुछ बात कर रहे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि रामजी श्याम जी, में आप कई दिनों से पोहा खा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो क्या कई सालों से? ओके, तो क्या स्पेशलिटी जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है आपकी? एक्चुअली जब ये उधर था मेट्रो के, जब ये बन रहा था, तब से मैं आ रहा हूँ, मतलब 5-6 साल हो गए हैं, और मुझे यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और मैं बाकी जगह भी ट्राई किया है बट इतना भी वो मज़ा नहीं आया है। तो मैं इधर ही आता हूँ, फिर भले ही संडे हो या मंडे हो, मैं हर दिन आता हूँ यहाँ पर, और मैं पोहा और ये बाकी चीज़ें लेता हूँ। तो ये जानना चाहते हैं, आपने कहा कई सालों से मैं यहाँ पर, तो तकरीबन कितने साल हो गए आपको रामजी श्याम जी इनका पोहा खा के? मैं यहाँ पर जॉब करता था IT कंपनी में, तो वो उनका रिपोर्टिंग 10 बजे रहता था, तो ये खुल जाता था 7 बजे, तो मैं 7-8 बजे नाश्ता करके कंपनी में जाता था। हाँ, कंपनी में है फैसिलिटीज़, पर मैं यही आता था खाने के लिए। हाँ, मेरे को सर, मैम, मेरे को तकरीबन हो गए 6 साल हो गए। हाँ। तो इन 6 सालों में कभी आपको ऐसा लगा कि रामजी श्याम जी के पोहे वाले का टेस्ट जो है वो चेंज आया है? कभी नहीं, कभी नहीं। इवन मेरे फ्रेंड्स भी आते हैं अमरावती से, तो वो यही पर आते हैं नाश्ता करने के लिए, चाहे तो वो जा सकते हैं कोई बड़े रेस्टोरेंट में, पर वो यही पे आते हैं। हाँ, तो एक स्पेशल नोट जो रामजी श्याम जी पोहा वाले को आप देना चाहते हैं? यही कि मतलब अच्छा है उनका, मतलब इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है उन्होंने, तो काफ़ी अच्छी बात है। और ऑनलाइन भी लेते हैं, तो जो अभी आजकल स्मार्टफोन है, तो मैं सबसे अर्ज करना चाहूँगा कि आप स्मार्टफोन से ही पे कीजिए, क्योंकि सारा पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में ही जाएगा, तो गवर्नमेंट अच्छे डिसीजन ले सकेगी, तो मैं यही चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ
तो मतलब ग्राहकों का भी कहना है कि बहुत सालों से वो यहाँ से जुड़े हुए, पर लेकिन जितने भी सालों से वो जुड़े हैं उसमें कभी भी जो है टेस्ट में चेंजेस नहीं आया और जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन रही है। तर्री पोहे और रामजी श्यामजी पोहे की बात यहाँ पे हो रही है हमारे विदर्भ टैलेंट शो में। ग्राहकों से हम बात कर रहे हैं और हमारे बाजू में एक और ऐसे ही ग्राहक मौजूद है जिनसे मैं जानूंगी कि उनको सबसे ज्यादा स्पेशल चीज जो यहाँ की है वो क्या लगती है। स्पेशल चीज यहाँ का पोहा जो है वो जो मैं कम से कम 8-10 साल से खा रहा हूँ। पहले एक्चुअल में वहाँ पर एक ग्राउंड में होया करता है राजीव नगर चौक पे, उसके बाद से यहाँ पर आया तो हम लोग कई साल से खा रहा, वही टेस्ट है, अभी तक चेंज नहीं हुआ। और जब भी मैं जैसे फील्ड में निकलता हूँ तो पहले एक बार थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करती फिर बाद में निकलती हूँ। आपने कहा कि बहुत टाइम से आप यहाँ से जुड़े, यूजुअली लोगों का कहना है कि यहाँ पे यूथ ज़्यादा देखा जाता है, पर यहाँ पे हर एज के लोग मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ। मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहती हूँ कि इतने सालों से आप यहाँ पे जुड़े हैं तो क्या कभी आपने फील किया कि टेस्ट में चेंज वगैरह हो रहे हैं ऐसा कुछ? अभी इतने सालों में तो देखा लेकिन बट अभी मेरे को तो चेंज कभी मिला नहीं, जो एज इट इज़ जो पहले से जो टेस्ट है वही अभी भी जारी है। मीन्स यहाँ पे आपकी फैमिली फ्रेंड्स इनके साथ भी आते हैं? नहीं, अभी तो मैं फील्ड में जैसे घूमते रहता हूँ तो पहले ऑफिस में जाके फिर इधर थोड़ा सा एक बार करने के बाद फिर बाद में फील्ड पे निकलते खाने। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि रामजी श्यामजी पोहे वाले को आप एक स्पेशल नोट क्या देंगे? स्पेशल नोट है जैसे कि उनका जो पोहा का और उसका जो ग्रेवी बनता है उसका जो टेस्ट है वो अच्छा लगता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर उनका पोहा खाने इधर आते हैं। रामजी श्यामजी पोहे वाले के नाम से तो आप जानते हैं, पर ये जो पोहे वाले की जो दुकान है इनकी शुरुआत उनके पापा ने की थी और उन्हीं से हम बात करने वाले। सर, मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है आपसे कि कैसे आपको सोच आए कि एक पोहे वाले की पोहे की जो है दुकान उसकी शुरुआत करनी है? देखिए, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मेरे ज़माने में नौकरी बहुत सस्ती थी, मैं नौकरी किया नहीं और मैं गांव चला गया। मैं पढ़ा लिखा यहीं नागपुर जीएस कॉलेज से पढ़ा हूं, मगर गांव में जाने के बाद मेरा पास केवल किसानी का ही एक विकल्प था और किसानी में जब तक दो पैसे बाहर से न आए तब तक कुछ होता नहीं है। मैं फिर से आ गया नागपुर, हमारे भाई साहब वगैरह रेलवे में थे, हम फिर आए यहाँ पर और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मैं इसीलिए धीरे धीरे पान ठेले से शुरुआत किया, फिर मेरे बच्चे छोटे छोटे थे उनको मैं लेके आया और वो भी मेरा साथ देने लगे, उसके बाद आज वो इतना साथ दिए कि हम कहाँ पहुँच गए आप देख सकते हैं। मैं आपसे ये भी चीज़ जानना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं जब आपने शुरुआत की थी इस चीज़ की, क्या कभी आपने ये सोचा था कि रामजी श्यामजी पोहा नागपुर में इतना जाना जाएगा, लोगों में इतना क्रेज़ होगा इस चीज़ का? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा, ये सब हमारी जो बता रहा हूँ ना आवश्यकता थी और आवश्यकता के अनुसार हमारे जो ग्राहक थे कस्टमर थे उन लोगों का सुझाव जो है वो मेरे बहुत काम आया। वो लोग हमें सलाह देते थे और जैसा वो कहते थे हम लोग आपस में बच्चे लोग बैठ के विचार विमर्श करके फिर उसके ऊपर अमल करते थे और जो अच्छा लगता था वो यहाँ तक आए। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो रामजी श्यामजी पोहा वाला है ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा लोगों में रामजी श्यामजी पोहा का क्रेज़ है, तो क्या कभी ऐसा मोड भी आया जब आपको लगा कि ये पोहे वाले की दुकान इतनी चलेगी या नहीं, ऐसा कभी आपको लगा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं लगा, पर जो कस्टमर का संतुष्टि सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, अगर उनको संतुष्टि है तो वही हमारी सबसे बड़ी कमाई और वही तरक्की है। अगर कस्टमर को संतुष्टि नहीं होती है तो हम चाहे कितना भी सस्ता या महंगा बेचें उसमें कुछ ये नहीं होगा, कस्टमर की संतुष्टि होगी तो हमारी तरक्की होगी, यही मेरा मेन उद्देश्य है। कहीं ना कहीं ये बात है कि रामजी श्यामजी पोहे के वाले के पास हमेशा कस्टमर्स लगे ही रहते हैं, आते ही रहते, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा कस्टमर्स का जो आने का टाइमिंग रहता है वो कौन सा रहता है? नहीं, ऐसा कुछ फिक्स टाइमिंग नहीं है, जैसा जिस दिन छुट्टी वगैरह रहती है गवर्नमेंट छुट्टी या संडे ऐसा रहता है तो उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा ये रहता है,
बाकी ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं रहता है कि मतलब इसी टाइम ज़्यादा भीड़ भाड़ होंगी। नाश्ते का है तो नाश्ते का मान के चलिए कि सवेरे का टाइम थोड़ा ज़्यादा ये रहता है, बाकी 11 बजे 12 बजे के बाद थोड़ा सा कम रहता है। आपको हमेशा ही पब्लिक का बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं प्यार मिलता रहा है, तो जितनी भी जनता है उनको आप क्या कहना चाहते हैं? उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ, और जनता की ही वजह से मैं आगे हूँ। अगर जनता ही हमारे साथ ये नहीं रहेंगे तो मैं आगे कैसे जा सकता हूँ। कहीं ना कहीं जनता का प्यार मिलता हुआ इनको रामजी श्याम जी पोहा वाले को दिख रहा है, और उनका भी यही कहना है कि जनता का प्यार मिल रहा है इसीलिए जो है रामजी श्याम जी इतना बढ़ रहा है। अब तक हमने पोहे की रेसिपी देखी, उसके बाद तर्री की रेसिपी देखी, ग्राहकों से बात की, बट अब बारी आ रही है कि ये जो पोहा बना है उसको टेस्ट करने की। तो लेट मी टेस्ट इट और मैं आपको बता दूं कि कैसा लगा मुझे ये पोहा। बहुत ही प्यार से इसमें कांदा वगैरह जो डाला, और ऊपर से हम ना इसके ऊपर नींबू डालने वाले हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। परफेक्टली नींबू जो है डाला गया है इस पर, और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए एक्चुअली परफेक्ट मतलब जो कॉम्बिनेशन चाहिए वो बहुत अच्छा है यहाँ पे, और जो पूरा क्वांटिटी है जिस तरीके से यहाँ पे कहा कि क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज़, वही है यहाँ पे क्वालिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये तरी पोहा है। तो अगर तरी पोहा के आप शौकीन हैं तो यू शुड मस्ट विजिट प्लेस, और इसी के साथ देखते रहिए PCN न्यूज़। पब्लिक का प्यार और क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज़, शायद यही है रामजी श्यामजी पोहे वाले की जो सीक्रेट है। वो आज के विदर्भ टैलेंट शो में हमने देखा कि किस तरीके से रामजी श्यामजी पोहे वाले इनके जो पोहे बनाने के टैलेंट ने नागपुर वासियों का दिल जीत लिया है। वेल ऐसे ही अमेजिंग एपिसोड्स और ऐसे ही अमेजिंग सेशंस के साथ मैं आपको मिलूंगी विदर्भ टैलेंट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए BCN न्यूज़। नमस्कार।